आप लोगों ने पेड़ काट काट के कोठियां डाल ली, बंगले डाल लिए, एक होटल डाल दिए, ठीक है जी। यहाँ देख लो आप कि नई ताजी खबर, यहाँ भवन के ऊपर पूरा पेड़ काट के यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा, दिल्ली हाईवे बनाया जा रहा है, तो वहाँ भी हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। जब ऑक्सीजन ही खत्म हो रहा तो गर्मी तो होगी होगी नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जब गर्मी पड़ती थी 2 घंटे गर्मी पड़ती थी तो 3 घंटे में बारिश पड़ जाती थी, ऐसा मौसम देहरादून में होता था और लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो जो लोग वहाँ से आते हैं तो कहते हैं यहाँ से वहाँ जाते बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये गर्मी बहुत खत्म हो गई है यहाँ पे। ये भी प्लान इलाका बनता गया है, इसको पहले हिल स्टेशन माना जाता था, लोग मसूरी से पहले जर्दन घूमते थे, अब तो जर्दन का नाम ही नहीं करते हैं, इतनी गर्मी है कि जैसे प्लान में पड़ती है ऐसी गर्मी पड़ती है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है जी। अब गर्मी तो हो रही है, उधर सरकार लाइट को भी लाइट भी लेती है, रात को 3 घंटे लाइट जाती है, कभी 4 घंटे लाइट जाती है, उससे और परेशान होते हैं हम। अब गरीब आदमी तो मारा जा रहा है, बड़े आदमी तो इमरजेंसी लाइट लगा के कर देते गुजारा, हम इसे लोग कहाँ से गुजारा करेंगे। गर्मी को लेकर तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। व्यापार पर भी गर्मी का बहुत असर पड़ा है, काम बहुत कम चल रहा है, पूरा काम डाउन हो रखा है जी। मतलब ग्राहक नजर नहीं आ रहे, पूरे मार्केट खाली पड़ रखे हैं। पल्टन बाजार जो है मशहूर है मार्केट है यहाँ की देहरादून की, लेकिन बहुत लो रखी है और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। वैसे अब कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे भी वर्कर्स हैं, लेकिन इस चीज़ से एक देखा जाए जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात आती है तो जो आपके हमारा एक उद्देश्य ये है कि मुद्दा ही समझ लो तुम, जो छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं ना शॉप मैनेजिंग, इनके बारे में कभी कोई वो सोचता नहीं है जी। हर जगह पे अभी लॉकडाउन लगा है तो सबको कुछ ना कुछ मिला है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनको कुछ अलग चीज़ें मिले या सैलरी मिली, जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती, जबकि वोट सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर वाले देते हैं जी। सरकार आगे प्राइवेट सेक्टर वाले बता रहे हैं, गवर्नमेंट वालों को तो वोट देने को उनको फुर्सत नहीं रहती है, वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं। छोटे लोग जो मिडिल क्लास वर्क लोग होते हैं वो हर जगह खड़े हो जाते हैं जनता के लिए, सरकार के लिए या किसी नेता के लिए जो उनका लीडर हो, उनकी एक अपेक्षा होती है उनसे कि यार ये कुछ करेगा हमारे लिए जी, बिल्कुल कुछ भला करेगा, कुछ हमें आगे कुछ संशोधन मिलेगा, लेकिन ये कभी होता नहीं है, ये सबसे बड़ा दुखड़ा लगता है। पेट सबने पालने, गुजारा सब कर रहे हैं, वर्क भी सबने करना, चलना भी सबने, लेकिन इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, वो कभी आगे उठ नहीं सकता। उनका कैसा बजट रहता है, क्या पैसे करते हैं, उसमें जनता क्या करेगी, जनता की थोड़ी चलती है, मानी जाएगी सरकार जो भी आएगी, उनका कहना वही होता कि जनता की मानी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता, लास्ट में वही होता है जो पॉलिटिशियन चाहते हैं, सीधी सी बात है, पॉलिटिशियन पे चला जाते हैं, जनता का कभी नहीं होता जी। जनता को पहले जब वोटिंग की टाइम आता है तो सबको बोला जाता है हम आपको ये देंगे वो करेंगे, कभी आज तक ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं हुआ जी। कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, हाँ जब तक इलेक्शन है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे इधर उधर, बजट पास कराएंगे, दारू मुर्गे ये खिलाएंगे सबको, चुनाव होंगे उसके बाद तुरंत महंगाई कर देंगे, वो महंगाई की मार कौन झेलता है, मिडिल क्लास लोग और जनता झेलती है।